हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट क्लास है जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। 11th में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी और सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अगर आप चैप्टर 5 पढ़ना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 5 खुद में एक डिफरेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप APGP पढ़ना चाहते हो तो प्रोग्रेशन खुद में एक डिफरेंट टॉपिक है, मतलब क्लास 11th में आप किसी भी चैप्टर से शुरुआत कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर 10th तक आपने जितने भी नंबर पढ़े थे, पहले तो नंबर सिस्टम पे आ जाओ। 10th में आपने जितने भी नंबर पढ़े थे वो सभी क्या थे? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के आप टाइप बता सकते हो कोई भी? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा था क्लास 10th में। रियल में ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। रियल नंबर में पहला हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जल्दी बताओ डेफिनेशन। हाँ ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर। तो अब ना आपको सेट भी जानना जरूरी है। सो विच लेटर्स वी आर यूजिंग फॉर नेचुरल नंबर सेट? तो कैपिटल N, क्योंकि सेट थ्योरी भी आप 11th में पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W लेटर से। उसके बाद से, होल नंबर के बाद से आते हैं इंटीजर्स। ये सब आपको पता होगा PQ के फॉर्म में, और क्यू मस्ट नॉट बी ज़ीरो। इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से है रैशनल्स एंड इरैशनल्स, रैशनल्स एंड इरैशनल्स। तो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्यू, और इसको कहते हैं हम लोग आर माइनस क्यू। मतलब अगर सारे रैशनल्स को रियल नंबर्स में से हटा दो, बचेगा क्या? इरैशनल्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज रियल नंबर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटिफिकेशन यूज़ होता है जेड। जेड से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। अब आप कहोगे ये आयोटा क्या है? तो चलो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा छोटा सा कि मुझे बताओ √25 की वैल्यू क्या होगी। √25 में क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में बताओ? प्लस माइनस 5, दोनों लिखेंगे प्लस माइनस 5। ये आगे चल के बताएंगे कि प्लस 5 लिखेंगे। लेकिन अगर मैंने √-25 कहा तब आप बता सकते हो? रूट अंडर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो खुद के साथ एक बार और सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई करके हमें वही नंबर दे 25। तो दैट इज़ पॉसिबल विथ प्लस 5। प्लस 5 ऑन मल्टीप्लाइंग विथ इटसेल्फ विल गिव अस व्हाट? 25। तो प्लस 5 इज़ वन ऑफ द आंसर। नेक्स्ट इज़ माइनस 5 को जब आप माइनस 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विथ इट्स ओन वैल्यू, तो भी हमें मिलेगा प्लस 25। लेकिन माइनस 25 तो मिलेगा ही नहीं। अब आप चाहे प्लस ले लो तो भी नहीं मिलेगा माइनस 25, माइनस ले लो तो भी नहीं मिलेगा माइनस 25। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम नंबर होने चाहिए। हम चेंज तो कर नहीं सकते 5 × −25, तो ये तो करना ही नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाउड। ये तो ऑपरेशन ही नहीं अलाउड है अंडर रूट में। तो तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया लोगों के सामने कि अब क्या किया जाए जब नेगेटिव का अंडर रूट आ गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें रूल तो पता है कि a × b को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, √a × √b, ये तो सबको पता है। उसी तरीके से √-25 को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, √-25 और √-1, कोई प्रॉब्लम किसी को? कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि −25 इज़ जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 विथ −1। फिर √-25 का आ जाएगा प्लस माइनस 5, और √-1 का क्या आ जाएगा? आयोटा।
तो इस स्पेशल क्वांटिटी को नाम दिया गया आयोटा, और लेटर कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, आई, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई लेटर से। यानी अगर हमें मिल जाता रूट अंडर -16 तो हम लिखेंगे प्लस माइनस बोथ 4 आयोटा, मतलब आयोटा तो लगना ही लगना है अगर नेगेटिव का अंडर रूट हो रहा है तो। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, आयोटा क्या है? आयोटा इज सिंपली रूट अंडर -1। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन हर जगह तो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा ना नेगेटिव को, इसलिए इसको एक अलग नंबर सिस्टम बना लिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। इस आयोटा के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पहले वो समझना जरूरी है। यानी जिस भी नंबर में आयोटा लगा हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब ये जो मैंने लिखा था a प्लस आयोटा बी, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके भी डायग्राम पे आएंगे, जिसमें a के साथ कोई आयोटा नहीं है तो हम कहेंगे a इज रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, और b में आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाइड है तो b को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स एक ही चीज होती है, ठीक है? तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा, क्योंकि ये सारी बातें ना इमेजिन की गई थी, ये एजम्पशंस हैं, इसलिए इमेजिनरी हम लोग इसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। एजम्पशंस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता मैथमेटिक्स की दुनिया में, फिर भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको एग्जिस्ट करा दिया आयोटा के हेल्प से। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। तो बेटे जरा बताना कि आयोटा टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? आयोटा सिंपल, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट इज आयोटा? रूट अंडर -1। दोनों साइड जरा स्क्वायर करना, तो स्क्वायर का रूल क्या होता है? अगर आपको अंडर रूट मिल रहा है ना, तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और आ क्या जाएगा? -1। तो ये जो भी लिख रहे हैं ना, ये रूल्स है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा तो आपको लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार खुद से राइटिंग में प्रैक्टिस भी कर लेना। आयोटा स्क्वायर के बाद आता है आयोटा क्यूब। राइट नाउ वी आर स्टडिंग कि अगर डिफरेंट पावर्स आयोटा के हो जाएं तो व्हाट द वैल्यू शुड बी, क्या होगा वैल्यू? तो देखना जरा, आयोटा के क्यूब को देखना है हमें। देखो आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे हम लोग आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर में भी ब्रेक कर सकते हैं, ये रफ वर्क है आपके समझने के लिए। आयोटा क्यूब को आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमने डराइव किया हुआ है, डैट इज -1। तो आयोटा इनटू -1 विल बी माइनस आयोटा। समझ में आ गई बात? आयोटा क्यूब को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक आयोटा और एक आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, और एक अकेला आयोटा कभी कुछ और नहीं होता, सिर्फ आयोटा ही होता है। तो यहां पर आ गया -आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हम रिजल्ट लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आ रहे हैं आयोटा टू द पावर 4 पे। कोई मुझे बता सकता है क्या होगा आयोटा टू द पावर 4? इसको हम ब्रेक, हाँ इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर में। एक आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1, दूसरा आयोटा स्क्वायर भी हमें पता है -1 ही होगा, और दो बार -1 आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा? +1। तो ये चार चीज़ें तो आपको याद करनी है। अब इसके आगे देखो मैजिक क्या होगा, अब हायर पावर के लिए क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ये चार तो आपको लर्न करना है। अब आगे की कोई भी वैल्यूज़ इन्हीं में से होगी, इन चार के अलावा कुछ नहीं आना आयोटा का पावर। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा टू द पावर 5 किया, किस किस में ब्रेक करोगे? हमारा फेवरेट वैल्यू है आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 हो जाता है +1 इंटू आयोटा, सो डैट विल बी आयोटा, सिंपली आयोटा। ईजी? अब आप देख रहे हो वैल्यूज रिपीट कर रही है। एक बार और कोई ले लेते हैं, जैसे आयोटा टू द पावर 13। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 के बाद अगर कोई भी पावर आ रहा है ना,
तो उसको पहले 4 से डिवाइड करें। जैसे 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा हमें? 4 3 12 और एक आयोटा बच जाएगा, यानी हम इसको ब्रेक करेंगे तो 4 के मल्टीपल में। तो आयोटा टू द पावर 4 × 3 इंटू आयोटा टू द पावर 1। अब आयोटा टू द पावर 4 × 3 बच्चे आपको पता होगा, ये भी आपने पढ़ रखा है कि a टू द पावर b टू द पावर c है, तो हम a टू द पावर b इंटू c लिख सकते हैं। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो ये जो 12 को मैंने ब्रेक किया है 4 के मल्टीपल में, डैट विल बिकम आयोटा टू द पावर 4 का भी होल क्यूब। अब आपको पता है आयोटा टू द पावर 4 1 होना है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, तो बच जाएगा आयोटा। अब कुछ आयोटा का पावर आपको देना है और फटाफट मुझे सॉल्व करके आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आयोटा टू द पावर 28, आयोटा टू द पावर 54, आयोटा टू द पावर 15, आयोटा टू द पावर 21। जल्दी बताओ चारों की वैल्यू। यस काची, आई टू द पावर 28। आप लोग माइक हमेशा ऑन रखो, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना क्लास में तो हम लोग माइक ऑफ करने के लिए बोलते हैं। ऑन रखो, आई टू द पावर 28, और यू कैन टेल मी थ्रू द चैट बॉक्स ऑल्सो। आई टू द पावर हो जाएगा 4 × 7, और जैसे ही 4 का मल्टीपल आएगा ये 1 हो जाएगा। अब आई टू द पावर 54, जल्दी बताओ रम्या। आयोटा में 54 से जस्ट पहले नियरेस्ट मल्टीपल है 4 का 52, 13 4 = 52, और इंटू आयोटा स्क्वायर बच जाएगा ना 52, तो यहाँ आ गया और पावर 2 यहाँ आ जाएगा, तभी तो मिलके 54 होंगे। ये तो 4 का मल्टीपल है तो ये बन जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर इज -1। नाउ काची, आई टू द पावर 15। आयोटा 15 से जस्ट छोटा मल्टीपल कौन सा है 4 का? नहीं, छोटा मैंने कहा, 16 कैसे चले जाओगे? जब आपके पास 15 आयोटा है तो आप 16 तक कैसे जा सकते हो? 12 इंटू आई टू द पावर 3, समझ में आ गया? उससे जस्ट छोटा नियरेस्ट मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल है 12, तो आई टू द पावर 12 को हम फिर क्या लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4 टू द पावर 3, और फिर है आई क्यूब। मैंने चार वैल्यू आपको रट्टा मारने को कहा है, आई क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा को तो खैर याद करने की जरूरत नहीं है, और 4 इज 1। तो ये हो गया 1, और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। नाउ टेल मी रम्या, आयोटा टू द पावर 21, ठीक है, क्योंकि आयोटा को 20 और आयोटा में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 21 से जस्ट छोटा मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो 20 है। आयोटा टू द पावर 4 का पावर 5 आ जाएगा इंटू आई, ये हो जाएगा 5 4 = 20, तो 1 इंटू आई, डैट विल बी आई। यानी अब आई का कोई भी पावर होगा आप सारे पावर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देंगे, उसके बाद से फिर हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। 1 / iota क्या होगा? तो 1 / iota के लिए एक काम करो, सेम नंबर से तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सेम कांस्टेंट को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट, ये अलाउड होता है। सेम कांस्टेंट या सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट। तो जब भी नीचे आयोटा हो तो आप एक बार ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी। देखो तो ऊपर का आयोटा अकेला है बेचारा, ये वैसे का वैसे ही रह गया, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता। नीचे क्या हो गया? आयोटा का स्क्वायर हो गया। कितनी खुशी की बात है, आयोटा का स्क्वायर फटाफट याद है। नहीं याद है कोई बात नहीं, आयोटा तो रूट अंडर, क्योंकि अभी आप पढ़ ही रहे हो तो नहीं याद हो सकता है आपको। आयोटा रूट अंडर -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर किया तो बस इसका रूट खत्म हो गया, तो माइनस तो रहेगा ही,
माइनस वन लगा दिया यानी माइनस आयोटा, तो वन बाई आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अब कैसे होती है ये तो आइडिया लग गया। चलो बहुत हो गया आयोटा का गुणगान, आयोटा के बारे में हमने जान लिया। अब वापस आते हैं अपने जेड पे, ये जो है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आयोटा के बारे में जान के अब वापस आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ पूछने बेटा आप लोगों का आयोटा के बारे में, आयोटा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। ओके तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी पे चल रहे हैं, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर अंडर रूट, मतलब कुछ भी ऑपरेशन करना, ये सब क्या कहलाता है, एरिथमेटिक। तो क्या ये सब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कर सकते हैं। क्लास टेंथ तक तो हम सब कुछ करते चले आए हैं, लेकिन रियल नंबर होते थे 5 का स्क्वायर फटाफट आंसर बोल दोगे 25, तो 5 प्लस 3 तो फटाफट बोल दोगे 8। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा 2 प्लस 3 आयोटा, दैट मीन्स आयोटा इज ओनली विथ 3 नॉट विथ 2 प्लस 3, ऐसे लिखने का तरीका ये होता है, या फिर बेटर है कि आप इसको 2 प्लस आयोटा 3 लिखो, लेकिन ये जनरली देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ पर लिख दिया माइनस वन प्लस माइनस फाइव आयोटा, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन का रूल है, ये इसका रियल पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये किसका रियल पार्ट है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल का रियल के साथ एडिशन होगा, और इमेजिनरी पार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो बता सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा, 2 और माइनस वन करेंगे और इधर क्या आ जाएगा, 3 माइनस फाइव आयोटा के साथ, तो ये हो गया 1 माइनस टू आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जिसका रियल पार्ट आ गया 1 और इमेजिनरी पार्ट आ गया माइनस टू। इज एडिशन क्लियर, क्लियर होगा, ये बहुत इजी सा चीज़ है ये, लेकिन फॉर्मेलिटी है, आदत है, इसलिए पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस माइनस वन प्लस माइनस फाइव आयोटा, तो देखना 2 के साथ किसका सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस वन का, और 3 के साथ किसका सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस फाइव का, यानी 2 माइनस करना है माइनस वन, ये हो गया रियल पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट में है 3, इस 3 को लिखा, अब इधर है माइनस और ये माइनस, मिलके कितने हो गए, प्लस फाइव आयोटा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस वन, 2 प्लस वन इज 3, 5 प्लस 3 8 आयोटा। मैंने थोड़ा जानबूझ करके प्लस माइनस रखा है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इजी वाला तो सब्ट्रैक्शन आप कर ही लोगे, क्लियर है ये सब्ट्रैक्शन, मतलब जो जो रहेगा बस माइनस लगा करके ऑपरेशन कर देना है, सिंपल है। अब जरा मल्टीप्लिकेशन सीखो, अगर मैंने दे दिया 2 प्लस 3 आयोटा, और अभी थोड़ा सा सिंपल दे देते हैं 3 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, मल्टीप्लिकेशन में सब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी एक बार 2 को 3 के साथ भी करेंगे और एक बार 2 को 5 आयोटा के साथ भी करेंगे, एक बार 3 आयोटा को 3 के साथ करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम 3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताना 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा, यही चार चीज़ें आएंगी ना, दो इधर टर्म है दो उधर है, मल्टीप्लाई किया तो यही चार चीज़ें आ रही है निकल करके।
थ्री टू जा सिक्स, फाइव टू जा टेन आयोटा। देखो रियल और इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आयोटा कॉपी होगा। रियल और रियल तो हम लोग करते ही चले आ रहे हैं, जैसे थ्री आयोटा और थ्री, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? यस, वेन एवर वी मल्टीप्लाई एन इमेजिनरी नंबर विथ अ रियल नंबर द रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी डोमिनेंट हो जाता है, वो रियल को भी क्या कर देता है, इमेजिनरी में ही कन्वर्ट कर देता है। तो नाइन आयोटा, फिर फाइव थ्री जा फिफ्टीन, लेकिन यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। तो सिक्स प्लस टेन आयोटा प्लस नाइन आयोटा, फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर इज़ वॉट, माइनस वन, तो माइनस फिफ्टीन हो गया। आप यहाँ पर लिख दोगे सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये आप हैबिट डाल लो, अब आप इलेवेंथ में आ गए हो ना, तो साइड में आप ये छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं, क्या लॉजिक है, इसको आप थोड़ा स्पेस के बाद लिख सकते हो ताकि इसके साथ मिक्स ना करें। और टीचर को अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि बच्चे ने कहाँ से डायरेक्टली लिख दिया, तो वो देख लेगा, हाँ बच्चे को आता है। अब जब एडिशन करेंगे तो रियल का रियल के साथ, तो सिक्स माइनस फिफ्टीन विल बी माइनस नाइन, और टेन और नाइन कितना हो गया, नाइनटीन आई। दैट्स द आंसर। क्लियर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, माइक ऑफ क्यों कर रखा है, जल्दी बताओ। हाँ स्कूल के क्लासेस में माइक ऑफ किया करो, वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, ट्यूशन में नहीं। नेक्स्ट अब डिवीज़न करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया टू प्लस थ्री आयोटा और थ्री प्लस फाइव आयोटा से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड? डिवाइड तो ऐसे हमने पढ़ा ही नहीं है, फ्रैक्शन में भी कैसे लिखे, क्या लिखे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसमें कंजुगेट एक टर्म होता है, कंजुगेट का मतलब होता है जैसे हम लोग रैशनलाइज नहीं करते थे, अगर नीचे में आ जाता था टू प्लस रूट थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते थे रैशनलाइज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर ये जो प्लस है बस ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में। यानी रियल पार्ट वैसे का वैसे ही, इमेजिनरी का साइन चेंज करके लिख देना है। और ये सिर्फ हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, न्यूमरेटर के साथ नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऊपर का तो मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, दो को दो के साथ करेंगे तो चार चीज़ें आएंगी। तो चलो करते हैं पहले टू को बारी बारी से दोनों के साथ। तो टू थ्री जा सिक्स, अब इतना तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, टू इंटू माइनस फाइव डैट इज़ माइनस टेन आयोटा, फिर थ्री आयोटा की बारी आ रही है तो नाइन आयोटा माइनस फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर इज़ वॉट, माइनस वन, सीधा लिख दें माइनस वन या आयोटा स्क्वायर लिखें, माइनस वन लिख दिया। नीचे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोगों ने पढ़ रखा है नाइन्थ से ही, ये सब चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हो नाइन्थ और एट्थ से, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव आयोटा का स्क्वायर। ऊपर में देखना रियल पार्ट है सिक्स, और माइनस वन और माइनस फिफ्टीन हो गया प्लस फिफ्टीन, तो फिफ्टीन एंड सिक्स इज़ ट्वेंटी वन, माइनस टेन आयोटा एंड प्लस नाइन आयोटा विल बी माइनस आयोटा। नीचे आ गया नाइन, फाइव आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है, बताओ जल्दी। यस रम्या, फाइव आयोटा स्क्वायर। काची आप भी रेडी रहो, आपको बताना है कि उसने सही बोला है या नहीं। माइनस फाइव, काची इसने सही बोला है? दोनों ही गए हो, मतलब इसका थोड़ा सा तो दिमाग लगाते हैं, जब स्क्वायर है तो फाइव का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा, तो ट्वेंटी फाइव कौन बोलेगा, ये कोई और आएगा समझाने के लिए कि फाइव का भी स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर हो रहा ना, होल स्क्वायर, मैंने इतना क्लियरली ब्रैकेट भी दिया हुआ है। बाहर में है माइनस, समझ में आ गई बात, आप लोगों ने सिर्फ आयोटा स्क्वायर किया और फाइव को वैसे का वैसे ही रहने दिया। तो ये हो गया, बाहर में भी है माइनस माइनस ट्वेंटी फाइव, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, नीचे में प्लस ट्वेंटी फाइव और नाइन कितना हो जाएगा, नाइन फाइव फोर्टीन, तो थर्टी फोर।
इतना ही नहीं, इसको थोड़ा अलग करना होता है. 21/34 इज रियल पार्ट, फिर -1/34 इज इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ आयोटा लग जाएगा. ये आ गया पूरा डिवाइड करके. समझ में आई बात डिवीजन की? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर 5 आप लोग अपने बुक में खोल लो. दिस इज चैप्टर 6. चैप्टर 5 अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्गन प्लेन वगैरह, ज्योमेट्री, ये सब मुझे समझाना है, लेकिन एग्जाम्पल्स तो कर ही सकते हैं और एक्सरसाइज, ताकि कुछ होमवर्क भी साथ साथ होता रहे. तो बुक निकालो, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 98 बुक निकाल लिया आप लोगों ने एनसीईआरटी की. तो एग्जाम्पल 1, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब क्वेश्चन पूरा यही है, क्वेश्चन पूरा यही है, मतलब हमें कंडीशन दी हुई है कि LHS पे कुछ हमारे टर्म्स हैं जो कि अननोन के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं एक्स और वाई. राइट हैंड साइड पे ठीक ठाक दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 6 आयोटा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. तो पता है इसमें क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हो, और जब इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. तो इसके लिए एक स्टेप लिखा जाता है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो रियल पार्ट इज 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3/4. बहुत इजी. इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6. तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? शेयर करो मेरे से आइडिया, क्या करना चाहिए? x की वैल्यू यहाँ डाल देनी चाहिए. तो सब्सटीट्यूशन मेथड, 3 × 3/4 माइनस वाई इजल टू माइनस 6, दिस विल बिकम 9/4 माइनस वाई इजल टू माइनस 6. वाई को उधर लेते जाओ, 6 को इधर लेते आओ, तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई. एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 4, 9 प्लस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9/4 13, 33/4. तो आ गई x और y की वैल्यू, हो गया सॉल्यूशन. ये समझ में आया क्वेश्चन? और मुझे बताओ ये क्वेश्चन इजी लगा या ठीक ठाक लगा? ठीक है, बहुत इजी था. ये स्टार्टिंग है ना, और कभी भी पेपर में स्टार्टिंग से नहीं आता, लेकिन स्टार्ट हम हमेशा इनिशियल लेवल से ही करते हैं. अब जरा आ जाते हैं एग्जांपल 2 में. जो मैंने आयोटा की प्रॉपर्टीज़ बताई है ना, वो जानबूझ करके पहले इसलिए बताया ताकि आप कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर सको. तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप ट्राई कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्लास में सबको 5.1 ट्राई करके आना है, जो नहीं होगा वो पूछना है आपको. एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा. तो एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है, -5 आयोटा इंटू 1/8. आयोटा कहाँ है, ऊपर है. हाँ तो देखना जरा, मतलब दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ही में बनाओ, इनका यही कहना है. दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कहोगे मैम क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 प्लस -5 आयोटा है और एक है 0 प्लस 1/8 आयोटा. तो दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ही लिखना है. तो रियल और रियल को मल्टीप्लाई कर दो, यानी -5/8 हो गया, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, -1 आयोटा स्क्वायर, यानी +5/8. और लिखना तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही है, तो ये लिख दिया. क्लियर?
मल्टीप्लाई सिंपल था, कर दिया, आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस वन। अगर आपका रिजल्टेंट सिर्फ रियल नंबर आता है, इसका मतलब आप उसको ज़ीरो आयोटा लगा करके लिख सकते हो। यानी हम एमसीक्यू का ये क्वेश्चन हो सकता है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी फाइव को अगर लिखना होगा तो हम फाइव प्लस ज़ीरो आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा टू आयोटा माइनस वन बाई आयोटा का क्यूब। आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसको? पहले सभी नंबर को सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ टू है और माइनस वन बाई एट है। तो माइनस वन इंटू टू इंटू माइनस वन बाई एट, टू से गया फोर, कितना आ गया वन बाई फोर। वन बाई फोर आयोटा कितनी बार आया है? वन टाइम आयोटा, वन टाइम आयोटा, और यहाँ आ गया है आयोटा का क्यूब। अच्छा क्यूब था, सॉरी रुक जाओ, मेरे से गलती हो गई है, मैंने क्यूब को नहीं देखा। इसको पूरा खोलोगे तो माइनस आयोटा इंटू टू आयोटा, और नेगेटिव का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। यानी माइनस वन बाई एट क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। एट क्यूब इज एट, एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर एट जा टू फिफ्टी सिक्स, और टू से कैंसिल करोगे टू, ये है टू फिफ्टी सिक्स, टू फिफ्टी सिक्स को टू से कैंसिल करोगे वन ट्वेंटी एट, और एक माइनस है, एक माइनस है, मिलके हो गया वन बाई वन ट्वेंटी एट। लेकिन अभी हमने आयोटा का कुछ नहीं किया है, एक आयोटा यहाँ, एक आयोटा यहाँ, थ्री आयोटा यहाँ, तो आयोटा टू द पावर फाइव। अब बताओ जल्दी आयोटा टू द पावर फाइव को कैसे ब्रेक करेंगे? आयोटा, अभी आप नए नए सीख रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना डायरेक्टली आप आयोटा बाई वन ट्वेंटी एट लिख दोगे, फिर कहोगे ज़ीरो प्लस वन ट्वेंटी एट इंटू आयोटा। क्लियर ये? ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एग्ज़ाम्पल सिक्स तक और 5.1, देखते हैं आप कितना करके आते हो नेक्स्ट क्लास में। वैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल थ्री से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ जेड के बारे में और जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा और जानेंगे, आर्गन प्लेन देखेंगे कि क्या होता है, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अगर आप खुद से करके आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो हम लोग तो पूरा चीज़ करवाएंगे ही। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।